अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी लेकिन बहुत ही झटपट बनने वाली वन पॉट हलीम। जी हाँ, इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई मसाला भुनने की झंझट नहीं है, बहुत ही फटाफट से तैयार हो जाती है। तो मेरे इस तरीके से एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए झटपट से बनाते हैं हलीम। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा किलो मटन, आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मटन ले लिया। अब मटन पे भी चॉइस है आपकी कि आप हड्डी वाला लें या बगैर हड्डी का। अगर हड्डी वाला लोगे तो भी कोई बात नहीं, आसानी से इसे हम बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टी स्पून नमक, 2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दी, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर यानी 2 बड़े चमचे है, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून काले मिर्चे कुटी हुई, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, 4 से 5 हरे मिर्चे, हरी मिर्चे आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हो, बारीक चॉप करके डाल दे, या अगर आपके पास ग्राइंड की हुई हो तो आप उसका पेस्ट भी डाल सकते हो। 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे, 1 टेबल स्पून इतना घी डाल देंगे, अगर चाहे तो आप तेल भी डाल सकते हो, लेकिन घी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और घी डालने से जो है वो दाल जो है बाहर उफन के नहीं आती है। और अब इसमें डालेंगे पानी, तो तकरीबन पानी हम 1 से 1.5 लीटर पानी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम दालें, क्योंकि हम बना रहे हैं हलीम। तो हलीम के लिए यहाँ पर देखिए मैंने लापसी ली हूँ, और लापसी को मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था, तो ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तकरीबन 150 ग्राम लापसी हमारी, जिसे गेहूं का दलिया भी कहते हैं, तो ये मैंने मिला दिया। अब इसमें मिलाएंगे कुछ दालें। दालों में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबल स्पून मैंने ली हूँ मसूर की दाल, 2 टेबल स्पून उड़द की दाल, 2 टेबल स्पून चने की दाल, 2 टेबल स्पून तुअर की दाल, और 2 टेबल स्पून मैंने ली हूँ राइस, बासमती राइस है ये। तमाम चीजें जो है 2-2 चमचे हैं। अब इन तमाम चीजों को इसमें मिला देंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई दाल इसमें ऐड कर सकते हो। हल्का सा मिक्स देंगे। अब इसमें टोटल हमें यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर पानी मिलाना है, तो यहाँ पर मैं 1 लीटर पानी मिला चुकी हूँ, 0.5 लीटर और मिला रही हूँ। तो मैंने इसमें टोटल जो है 2 लीटर पानी मिला दी हूँ, 1.5 नहीं, मैंने यहाँ पे टोटल 2 लीटर पानी मिला दी हूँ। इसे अच्छे से मिक्स दे दिया मैंने। अब इसे लीड लगाकर हम हाई विसल्स पे तकरीबन 3 से 4 विसल ले लेंगे, और उसके बाद स्लो फ्लेम पर इसे हम 10 मिनट पका लेंगे, ताकि मटन जो है बिल्कुल अच्छे से गल जाए और तमाम दालें भी अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए हलीम का स्पेशल मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दी हूँ 2 छोटे से दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 सब्ज इलायची, 1 बड़ी इलायची, उसके साथ ही 1/2 ये लेंगे बादियान, 8 से 10 लेंगे काले मिर्चे, 7 से 8 लौंग, 1 छोटा सा मैं ले रही हूँ जायफल का टुकड़ा, और साथ में ले रहे 1/2 टी स्पून शाहजीरा। इन तमाम चीजों को हल्के से रोस्ट कर लेंगे और फिर इसे हम ग्राइंड कर देंगे। तो ये हमारा स्पेशल सा हलीम का मसाला बनके तैयार है। ये 0.5 किलो के लिए परफेक्ट है। अगर आप 1 किलो की हलीम बनाना चाहें तो ये मसालों का तमाम चीजें जो है वो डबल ले ले, ठीक है। तो चलिए अब हम हलीम की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए इसके लिए बिल्कुल अच्छे से ये अच्छे से बिल्कुल कुक हो चुका है, ये तमाम चीजें अच्छे से गल चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से जो मटन के पीसेस थे वो हम निकाल लेंगे और उसका रेशा रेशा कर लेंगे। अगर चिकन के पीस हो तो चिकन ले लें, और अगर मटन के पीस हो तो मटन के पीस निकाल कर इसको बिल्कुल श्रेडेड कर लें। तो ये देखिए मैंने देखने की सहूलियत के लिए चेंज कर दी हूँ बड़े पॉट में, और यहाँ पर मैंने मटन को बिल्कुल अच्छे से श्रेड कर दिया। देखिए मटन बिल्कुल अच्छे से श्रेड हो गया है, तो अब इसमें श्रेड मटन मिला देंगे पूरा के पूरा। अगर आपके चिकन हो तो आप चिकन मिला दें, खाली चिकन और मटन के कुकिंग टाइम थोड़ा सा अलग होता है, मटन को थोड़ा ज्यादा पकाना होता है। अब इसके साथ ही इसमें मिला देंगे हमारा स्पेशल गरम मसाला जो हमने बनाए हैं, रेडी किए हैं, और थोड़ा सा रख देंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो ये मैंने मिला दी, और उसके साथ ही अब इसके अंदर डालेंगे हम हरा धनिया अच्छा खूब सारा सा, 1 नींबू का रस, 1 बड़े नींबू का रस मिलाएंगे, और 1/2 कप में मिला रही हूँ तली हुई प्याज बलिस्ता, और इन तमाम चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे, अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा पानी मिला सकते हो, लेकिन पानी अगर मिलाए तो पानी गर्म करके मिलाए, सादा पानी बिल्कुल ना मिलाए। अब यहाँ पर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है। अब इसे हमें घोटना है, तो इसे इस हलीम को तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट घोटना है। तो घोटने के लिए हम कोई मैशर ले लेंगे, या पाव भाजी का जो मैशर होता है उससे भी हम कर सकते हैं।
देखिए इस तरह का मशर का मैं इस्तेमाल करूँ, इसे तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट इस तरह से घोटते रहना है, तो इससे बिल्कुल ये तमाम चीजें बिल्कुल मिक्स हो जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे, तो बस इसी तरह से घोटते जाना है। आप चाहे तो पाव भाजी के मशर से भी इसे घोट सकते हो। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हमारी हलीम घुट चुकी है, तब पाव भाजी के मैशर से या फिर जो हैंड ब्लेंडर होता है ना उससे भी आप इसे मैश कर सकते हैं। तो बस ये देखिए देखिए काफी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है, ये देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है और ये पकने ठंडा होने के बाद और ज्यादा गाढ़ा होगा हलीम। तो बस अब इसे मैं फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। अब चलिए अब इसे तड़का देते हैं। तड़के के लिए पैन गर्म करेंगे, तकरीबन हम पाव कप घी डाल देंगे। अब चाहे तो तेल में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ये जो घी में है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। घी अच्छे से गर्म करेंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हम इसके अंदर। जीरा अच्छे से क्रैकल होने लगा है तो अब इसको इस तड़के को हम डाल देंगे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा लविश बनाने के लिए थोड़े से काजू ले लेंगे और इसे बिल्कुल हल्का सा कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का सा कलर। ये देखिए बस इतना काफी है, हल्का सा कलर आ चुका है। और ये रहा हरा धनिया, देखिए कैसा लजीज सा कैसे मजे का नजर आ रहा है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम डिश आउट करते हैं, देखिए कैसे बेहतरीन सा नजर आ रहा है। और यहाँ पर ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाई, क्योंकि चखने के बाद मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक मिला दियो। तो चलिए इसे गर्मा गर्म डिश आउट करते हैं। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म हलीम। ये लीजिए ये तैयार है बहुत ही मजे की बहुत ही लजीज सी हलीम। एक बार मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसी मजे की नजर आ रही है, देखिए बहुत लजीज है, गर्म गर्म धुआंदार। तो भाई मैं तो इसे खूब इंजॉय कर रही हूँ, आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें और साथ में हमें भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।